नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का आज हम टॉपिक लेंगे। वर्क वर्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाई वर्क क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है, और वर्क बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जो है काइनेमेटिक्स पूरा कर चुके हैं और न्यूटन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है हम पूरा पढ़ चुके हैं। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अब आप इस स्थिति में आ चुके हैं कि आप इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज हम इसमें जो है टॉपिक लेते हैं वर्क। पहले वर्क करते हैं, फिर एनर्जी पावर इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम अपनी जो है साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि भाई वर्क को हिंदी में बोलते हैं काम। ठीक है, कि हमने कुछ काम किया, हमने अगर मान लीजिए 5 या 10 15 20 25 30 कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की, हमने उस पर कुछ ना कुछ काम किया, अपने दिमाग से काम किया, हमारा दिमाग शरीर से एनर्जी लेता है, तो कुछ ऐसा करके हमने कुछ ना कुछ काम किया। मान लीजिए आपने कुछ वजन उठाया, वेट उठाया, और उस कोई मास मास वैसे तो हम मास बोलते हैं। ठीक है, वेट जनरल भाषा में बोल देते हैं, वैसे तो एक्चुअल में मास होता है। मैंने जो 5 kg का 10 kg का मास उठाया और उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर गए, तो वहाँ पर भी आपने कुछ ना कुछ जो है काम किया। लेकिन अगर हम बोलने लगे भाई फिजिक्स की भाषा में हम इसको कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो फिजिक्स की भाषा में हम बोलेंगे जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का। ठीक है ना, फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हमारे पास वर्क निकल कर आएगा। इसीलिए क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। आई डॉट आई इज इक्वल टू वन नॉट, एंड इन डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इज इक्वल टू वन बट इन डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसकी जो है यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, या फिर हम जो है जूल से इसको बताते हैं भाई वर्क क्या है, जूल है न्यूटन मीटर, ज्यादातर इससे बोलते हैं, इससे बोलने को प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है भाई ये डॉट प्रोडक्ट है क्यों, वर्क पता चल गया, वर्क क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सो वर्क इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से अब मैं आपको बताता हूँ भाई इसमें हम डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं। मान लीजिए ये वाला कोई समतल एरिया है, ये जमीन है, इस पे हम मैं लगाता हूँ फोर्स इधर की तरफ। ठीक है, ये वाला है, इस पे हम लगाते हैं फोर्स, आगे की तरफ मैंने फोर्स लगाया या फिर मैंने इसको ऐसे खींचा। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने खींचा कुछ इस तरह से खींचा, अब खींचने के बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जब ये जाएगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं जब इसको ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगाया या ऐसे फोर्स लगाया इस तरह से, ठीक है ना, मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, चलिए इसी को रहने दो, इधर की तरफ फोर्स लगाया और ये फोर्स का एंगल है थीटा, इस तरफ फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ इधर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं आर, यहां से यहां तक फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ आर। ठीक है, अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये फोर्स एफ है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है एफ, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा एफ साइन थीटा। अब ये ऊपर तो जाएगा नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ इस तरह से खींच रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको हमने खींचा, ये ऊपर तो जा नहीं रहा, ये कहाँ पे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में
डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये वाला जो एफ कॉस थीटा है, जब इस एफ कॉस थीटा को हम यहां पर ले जाएंगे इस पॉइंट पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो एफ कॉस 90 हो जाएगा। ठीक है, और एफ कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो इसलिए ये वाला जो जो वर्क होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब फोर्स जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो फोर्स का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा आर की डायरेक्शन में होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। यही इसी कारण हम इसको क्या है जो है डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो बस यही बात है, इसमें डॉट प्रोडक्ट हो गया। और डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम भी क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वर्क कैसी हमारी, वर्क हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन पर मीटर और जूल। ठीक है, ये हम इसमें बनाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हम, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यहां पे ध्यान रखो कांस्टेंट फोर्स, ये चीज ध्यान में रखनी है, कांस्टेंट फोर्स। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स क्या है, देखो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब कि उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, लेकिन हम कैसा लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ना तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो ये वाला फोर्स यहां पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और जेड भी ले लो आप लेना चाहो तो। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन, इसका ये आर वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, आर वन, अब यहाँ से चल कर ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से चल कर यहाँ पर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, एक्स टू वाई टू Z2। ठीक है, अब नेट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से और यहाँ तक, कितना हो गया। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम वेक्टर R। जो वेक्टर R है वो किसके बराबर होगा, R2 - R1 के। ठीक है, और R1 किसके बराबर है, X1 Y1 Z1, या फिर X1i + Y1j + Z1j, यहाँ पर X2i + Y2j + Z2k। ठीक है, ये इतना इसका जो है यहाँ पर, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन है इस तरह से, तो इस पॉइंट पर भी फोर्स की डायरेक्शन यही होगी और फोर्स भी उतना ही होगा। इस डायरेक्शन पे इतना, इस डायरेक्शन पे इतना, इस डायरेक्शन पे इतना, इस पॉइंट पर इतना, इस पॉइंट पर इतना, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमको निकालना है अभी इस पर वर्क कितना हुआ। ठीक है, और वर्क हमको पता है, वर्क कितना होता है, वर्क होता है वो होता है फोर्स। और फोर्स यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा, फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक तो हुआ, यहां से और यहां तक जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं R1 से लेकर R2 तक, वही R2 - R1 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिस्प्लेसमेंट R, यहां से R2 - R1। तो जो वर्क होगा वो बराबर होगा हमारे, फोर्स तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ये वाला R2 R1, तो फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय R2 - R1।
यही क्या आ गया हमारा, सीधा इसको जो है आर लिख दो आप, इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा, आर टू माइनस आर वन किसके बराबर है, वो आर के बराबर है, और क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्यों आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फोर्स होगा ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इससे पहले 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका वर्क। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्या देखो, जब हमने ये पाथ लिया इस तरह से, ठीक है, तो भी वर्क सेम हुआ। अब मैं ये पाथ ना लेकर मैं पाथ ले दूं ये या ये या ये या कोई भी पाथ ले दूं, ठीक है, वर्क किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डिपेंड करेगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन से बनने वाले डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो वर्क है जो डिपेंड करता है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो चाहे हम कोई भी पाथ लें, ठीक है, वर्क क्या होगा, सब में सेम होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच की जो स्ट्रेट दूरी है वो तो चेंज ही नहीं होगी। चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, हम पाथ कोई भी यूज करें, ठीक है, पाथ कोई भी यूज करें, वर्क हमको सेम ही मिलेगा, तो वर्क है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में, भाई पॉजिटिव वर्क क्या है और नेगेटिव वर्क क्या है। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो, भाई पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और जीरो वर्क क्या है। मान लीजिए ये वाला कोई धरती है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और ये वाला फोर्स है एफ, फिर ये वाला फोर्स नहीं, हम फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाते हैं एफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क। अब ये क्या है, थीटा। अब जो थीटा है एफ और आर के बीच बनने वाला जो थीटा है कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ भी हॉरिजॉन्टल है और आर भी हॉरिजॉन्टल है, तो वर्क कितना मिलेगा हमको, वर्क मिलेगा एफ आर, ठीक है, कॉस जीरो 1 के बराबर हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय आर हमको वर्क मिलेगा, जो कि हम बोलेंगे कि भाई ये पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क क्या होगा फिर, नेगेटिव वर्क होगा ये वाला ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया इधर की तरफ एफ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ आर इधर की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन तो इधर की तरफ काम कर रहा है ना, फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ काम कर रहा है, अगर फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम कर रहा है तो इस जो नेगेटिव वर्क है वो क्या, इस पर होने वाला नेगेटिव वर्क क्या होगा और कौन करेगा, तो फ्रिक्शन इस पर नेगेटिव वर्क करेगा, सीधी सी बात है, ये अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है जो कि इस पर नेगेटिव वर्क करेगा, कितना करेगा, फ्रिक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आर ही हो रहा है कॉस, अब देखो आर इधर की तरफ है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 इज -1, तो वर्क कितना हो रहा है, वर्क होगा इस पर माइनस के एफ आर, कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्क भी आ गया, नेगेटिव वर्क भी आ गया, अब भाई जीरो वर्क क्या होगा फिर, जीरो वर्क कौन करेगा, कोई बात नहीं, इसमें ले लेते हैं हम एम जी, नीचे काम करेगा तो नॉर्मल ऊपर काम करेगा, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है आर, अभी इसको 1 मिनट के लिए यहां से हटा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट हुआ आर ये वाला, ठीक है, इधर की तरफ, तो नॉर्मल के साथ इसमें कितना एंगल है 90 डिग्री, या फिर एम जी के साथ कितना एंगल है 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा फोर्स जो कि है एम जी, या फिर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मली तो बराबर है एम जी के, मल्टीप्लाई बाय
आर मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 जीरो, तो वर्क कितना हो गया जीरो। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट था जब हमने फोर्स एफ लगाया इस पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो वो फोर्स हमारा क्या है पॉजिटिव, और फ्रिक्शन का फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव वर्क, ठीक है, उसकी वजह से पॉजिटिव वर्क, इसकी वजह से नेगेटिव वर्क, ऊपर नीचे कुछ वर्क हुआ ही नहीं, जीरो, बस यही करना था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वर्क डन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना वर्क होगा, ठीक है, वर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिए जो नेट फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है वो फोर्स के कंपोनेंट होंगे इन आई डायरेक्शन, एफ वाई इन जे डायरेक्शन, और एफ जेड इन के डायरेक्शन, ठीक है, और उस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आर, आर बराबर किसके है, आर टू माइनस आर वन के, आर टू बराबर आर टू एक्स आई प्लस आर टू वाई जे प्लस आर टू जेड के, ठीक है, या फिर सॉरी आर टू नहीं, ये वाला एक्स टू आई वाई टू जे और जेड टू के, क्योंकि उस पॉइंट पर क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक, और आर वन क्या होगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ठीक है। अब वर्क क्या होता है भैया, वर्क हमको पता है एफ डॉट आर, ठीक है, आर किसके बराबर है, आर बराबर है, आर बराबर है आर टू माइनस आर वन के, और फोर्स है इसमें ये वाला एफ, तो कर देते हैं इसको एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के मल्टीप्लाई बाय एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, ये निकल कर आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब वर्क निकल कर आएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, तो एफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाय आई कितना हो जाएगा वन, और बाकी ये और ये इसके साथ कितने हो जाएंगे जीरो, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन प्लस एफ जेड जेड टू माइनस जेड वन, ये चीज जो है नेट, ये हमारा वर्क निकल कर आ जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, क्यों, इसके साथ आई है, आई इसके साथ जाएगा, तो आई डॉट आई, आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई कितना होगा वन होगा, और आई के साथ जे और के ये कितने बनाएंगे जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स वाला आ जाएगा, उसके बाद उसी तरह से वाई वाला, उसी तरह से जेड वाला, तो ये है वर्क जो हमको मिलेगा कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर हम वर्क करें अगेंस्ट ग्रेविटी के, ठीक है, या फिर ग्रेविटी हमको कुछ वर्क करके दे, तो वो कितना वर्क हमको मिलता है, ठीक है, या तो हम वर्क करें अगेंस्ट ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटी हमको कुछ वर्क करके दे, तो उस वर्क के बारे में हमको बताना है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई, ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन, दोबारा से एक्स टू वाई टू जेड टू। अब ये ना क्या है कि थ्री कोऑर्डिनेट्स के लिए है, मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो थ्री डी में करेगा, या फिर मान लीजिए जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, यहाँ पे है मार्कर, नहीं तो और छोटी चीज ले लेते हैं कोई, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज है यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको उठाया, ठीक है, नहीं यहाँ पे मान लो यहाँ पे रखा हुआ है,
यहाँ से मैंने इसको उठाया, अपने हाथ से ऐसे उठाया, यहाँ से हाथ से ऐसे उठाकर और मैं इसको यहाँ पे ले आया इतना ऊपर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इतना मैंने इसके ऊपर वर्क करा, वो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क इज इक्वल टू एम जी एच के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अब इस पे जो, जब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर लाया हूं तो इस पे जो ए की फोर्स काम कर रहा है नीचे इधर, कौन, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, जो कि है एम जी। अब उस फोर्स की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर सेम है ना, हर पॉइंट पर सेम है, नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही है। इस पॉइंट पर भी, इस 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 पर भी, हमेशा क्या है, नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर लाए नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर लाए नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर लाए नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने उसमें वर्क किया, ठीक है, कितना एम जी एच, यहां से लेकर यहां तक की जो वर्टिकल हाइट है ये वाली, मान लीजिए ये इस पॉइंट पर था, ठीक है, और मैं यहां पर ले आया, इस पॉइंट पर था और यहां पर ले आया, तो यहां से और यहां तक की जो एच हाइट है, ठीक है, एम जी एच के बराबर मैंने कितना इस पे काम किया। अब इसी चीज को यहां पर समझते हैं, जब मैं इसको यहां से यहां पर लेकर आया ना, तो इसने अपने तीनों कोऑर्डिनेट चेंज किए, एक्स वाई और जेड, फोर्स चेंज नहीं किया, ठीक है। फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट में काम कर रहा था, मान लीजिए जेड कोऑर्डिनेट में काम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ जेड में, नीचे की तरफ। तो ना ही उसका एक्स कंपोनेंट है, ना ही उसका वाई कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है, कौन सा, जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से लेकर यहां पर आया ये, तो यहां से और यहां तक के बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट, आर टू माइनस आर वन मान लेते हैं, ठीक है। और हर एक पॉइंट पर एक ही कौन काम कर रहा है, बस फोर्स इन जेड डायरेक्शन या फिर एम जी, एम जी नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर भी एम जी, इस पॉइंट नहीं सॉरी, यहाँ पर, यहाँ पर एम जी, यहाँ पर एम जी, यहाँ पर एम जी। तो हर एक पॉइंट पर कौन काम कर रहा है, हर एक पॉइंट पर काम कर रहा है फोर्स एम जी। तो आइए उसको बनाते हैं, देखो हर एक पॉइंट पर कौन काम कर रहा है, एम जी, पर एम जी की डायरेक्शन कितनी है, चलो इसको एफ जेड बोल देते हैं, एफ जेड, फोर्स इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स इन जेड डायरेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ, जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अभी लिया था एक जस्ट इससे पहले, तो जो फोर्स था, जो टोटल फोर्स था, ठीक है, वो कितना था, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन जेड डायरेक्शन, यही था ना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन फोर्स की, जेड 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 जेड। अगर हम इसको सॉरी, अगर हम इसको जेड माने, ये वाला जेड माने, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, ठीक है। अगर हम इसको जेड माने तो जो ये वाला फोर्स है, फोर्स की बस एक ही डायरेक्शन है, जेड जेड जेड, एक ही डायरेक्शन है फोर्स इन जेड डायरेक्शन, और उसका कंपोनेंट हम बना देते हैं के डॉट एक्स टू माइनस एक्स वन आई, ठीक है, प्लस जो नेट वर्क हमको मिलेगा वो बराबर होगा, यहां पे लिखता हूं फोर्स इन जेड डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय के, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वर्टिकल, ठीक है, दिख रहा है आपको अब यहां पर ये चीज, ठीक रही है, दिख रही है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन के प्लस जेड टू माइनस जेड वन, यहां पर जी एस होगी, जेड टू माइनस जेड वन के, ठीक है। और ये इसको यहां पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, और देखो ये के कंपोनेंट है और बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो के साथ सिर्फ और सिर्फ के ही क्या देगा हमको, वन देगा, के साथ के वन देगा, आई के साथ आई वन देगा, जे के साथ जे वन देगा। और जब हम इस के को इसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जो वर्क हमको मिलेगा फोर्स इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जेड टू माइनस जेड वन मल्टीप्लाई बाय, बस इतना, के और के मिलकर क्या बना देगा, वन, यूनिट फैक्टर ना इसलिए। तो वर्क कितना हो गया, एफ जेड, फोर्स इन जेड डायरेक्शन। अब आ जाइए यहां पर, यहां से मैंने उठाया और यहां पर कंधे तक ले गया, ठीक है, यहां से और यहां तक जेड वन
जेड टू, ठीक है, यहां से और यहां पर लाया, यहां से यहां पर, ठीक है, जेड डायरेक्शन ये है, ठीक है, जेड डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, और एक्स वाई यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये वाई, ये जेड और एक डायरेक्शन ये एक्स, ठीक है। तो बस इसने ट्रेवल किया कहां से कहां तक, यहां से और यहां तक, ऊपर तक गया, तो यहां पर जेड टू, यहां पर जेड वन, तो जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है, यहां पर देखो एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, तो इसकी जो हाइट होगी यहां से यहां तक कितना होगा, जेड वन और जेड टू, तो कितना हो गया, जेड टू माइनस जेड वन, तो जेड टू माइनस जेड वन किसका हो गया, हाइट के बराबर एच, इतना वर्टिकल इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब फोर्स इन जेड डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है तो कितना है, एम जी एच, तो फोर्स हमको नेट मिलेगा, जो नीचे की तरफ काम हमको मिलेगा वो मिलेगा वर्क, ठीक है, उसको जो वर्क मिलेगा वो किसके बराबर होगा, एम जी एच के। अब ये वाला जो एम जी एच है, ठीक है, फिर दोबारा से वर्क ही है, ये वाला वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पे, ठीक है, और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, किस तरह से, ये मान लीजिए यहां से और यहां पर ये स्लोप है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आप यहां से और यहां पर गए, तो आपने कितना वर्क किया, जो आपने वर्क किया वो बराबर होगा एम जी मल्टीप्लाई बाय इस हाइट के यहां से और यहां तक, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस हाइट पे डिपेंड करेगा। अब ये वाला वर्क आपने किया, ठीक है, जब आप ऊपर जा रहे थे तो एम जी नीचे काम कर रहा था, तो वर्क कितना हो गया, माइनस जी एच, ठीक है, अगर आपने यहां से पहुंच गए और यहां पे पहुंच कर आप सीधा यहां से कोई मान लीजिए पत्थर आपने यहां से और यहां पर फेंका, ठीक है, जब ऊपर जा रहे थे तो एम जी क्या था, नेगेटिव, नीचे आएंगे तो एम जी पॉजिटिव, तो वर्क हमको कितना मिलेगा, एम जी एच, अगर पत्थर का मास कुछ और है, आप खुद दाग जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर गए थे आपका खुद का मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई एच, अब यहां से यहां पर दाग जाओ, जंप कर जाओ, आपका मास भी नीचे आएगा और ग्रेविटी तो नीचे काम करेगी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, यहाँ पे आपने काम किया, यहाँ पे ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, आप जंप करके सीधे यहाँ पे आ जाओगे, या तो तरीका ये था कि आप उल्टे यहाँ पे आओ, ठीक है, या फिर तरीका ये है आप यहाँ से सीधे जंप कर जाओ, तो एम जी एच ये आपको जो है दोबारा से इतना काम मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले यूट्यूब पर। तो बस यही चीज़ें थी जो इसमें वर्क के अंदर हमको पढ़नी थी, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो वर्क के अंदर, वो हम आगे वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ना हम करेंगे, आज तो हमने किया वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, यहाँ पर कॉन्स्टेंट फोर्स ही लिया हमने सारे, अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, जो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्सेस हैं उनसे होने वाले वर्क हैं वो हमको क्या क्या मिलेंगे, अभी तो वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे अगली वीडियो में भी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या, वर्क के अंदर पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, वर्क डन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी हमको कितना वर्क करके देती है या फिर हम कितना ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ये चीजें हमने इस वीडियो में जो है पढ़ी है।